दोस्तों ये है अपराजिता का पौधा जो जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड पड़ने से पूरी तरह से सूख गया है, लेकिन ये सूखा नहीं है, ठीक है। इसको हम पूरी तरह से हरा भरा कर सकते हैं और फिर से इस पर फूल आएंगे। 15-20 दिन में ही ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, तो फरवरी का महीना इस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज मैं इसी पर काम कर रही हूँ। देखिए ये प्लांट जो है, इसमें दो पौधे एक साथ लगे हुए हैं अपराजिता के, सफ़ेद और नीला दोनों। और जनवरी में ज़्यादा ठंड होने की वजह से धूप भी बिल्कुल नहीं निकली है, तो ये पौधा इस तरह से पूरा सूख गया है। ऊपर से पत्तियाँ इसकी सूख गई हैं, लेकिन वैसे ये ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो नीचे घास वास उग रही थी वो मैंने साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, पूरे को अच्छे से इसको मैं कट करूँगी। जितनी भी इसकी ख़राब ब्रांचेस हैं, जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं, सब पूरी मैं हटा दूँगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा हम इसको कर देंगे। देखिए मैंने सारी पत्तियाँ हटा दी हैं, तो प्रूनिंग अच्छे से हम इसकी कर देंगे। करने के बाद अभी ये पौधा देखिए पूरी तरह से एकदम कटाई छटाई कर दी है, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। दो पौधे एक साथ हैं इसमें। अभी मैं मिट्टी की गुड़ाई करूँगी। मिट्टी भी देखिए काफ़ी गीली हो रही है, क्योंकि महीनों से बिल्कुल भी धूप अच्छे से नहीं निकली है और बारिश भी बीच में हुई थी, तो मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करके छोड़ देंगे एक दिन के लिए, ताकि अच्छे से हवा निकल जाए नीचे तक और मिट्टी भी थोड़ा सा सूख जाए। इसके बाद मैं इसके लिए खाद बनाऊंगी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें मिक्स करूंगी जिससे मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, जो 2 मुट्ठी मैंने लिया है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद रहती है, मैं हमेशा इसको ही यूज़ करती हूँ। आप इसकी जगह काव डंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाद पुरानी होनी चाहिए। इसमें मैं लगभग 1/2 चम्मच हल्दी मिक्स कर रही हूँ। हल्दी से मिट्टी के सारे रोग ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया रहती है। इस टाइम पर गीली मिट्टी हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है इसको डालना। और इसमें मैं लगभग 1/2 चम्मच के करीब बेसन डाल रही हूँ। बेसन से जो अच्छे जीवाणु हैं वो मिट्टी में बनते हैं और बहुत ही बढ़िया हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मिला लेंगे और अपने पौधे में डाल देंगे। हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप देखेंगे कि 15-20 दिन में पूरा हरा भरा पौधा हो जाएगा। तो इसको चलिए डाल देते हैं पौधे में। इस खाद को गुड़ाई करी हुई मिट्टी में चारों तरफ डाल देंगे। इसकी एक दिन मैंने गुड़ाई करके ऐसे ही छोड़ दी थी मिट्टी की, तो ये थोड़ा सूख भी गई है। चारों तरफ से इसको डाल देंगे खाद को, और डालने के बाद अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी में वो थोड़ा सा दब जाए खाद हमारा। पौधे में अभी हमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी गीली है। जब मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद ही हम इसमें पानी देंगे। 15-20 दिन के बाद इसमें पूरी पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद हम इसमें रेगुलर हर 10-15 दिन में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालते रहेंगे या फिर कोई भी लिक्विड खाद आप डालते रहिए। बहुत ही बढ़िया इस पर फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। खाद डालने के बाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें थोड़ा सा गुड़ाई करके, तो वो बहुत ही बढ़िया हमारे प्लांट्स पर असर दिखाती है। तो इस तरह से हम अपने अपराजिता पर अभी ये काम कर लें ताकि वो पुरानी अपराजिता भी हमारी फिर से एकदम बढ़िया फूल देना शुरू कर दे। इस टाइम पर हम बीज से भी अपराजिता को ग्रो कर सकते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत ही अच्छे से अपराजिता के बीज हम लगा के उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारा पौधा उग जाता है और लगभग 1 महीने में ही फूल आने लगते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।